भारत जिस दिन अपना लूटा हुआ लुटाया हुआ धन वापस ले लेगा, उस दिन मैं ये नहीं कह रहा हूं अमेरिका की, मैंने कई बार वो डॉक्यूमेंट्स प्रमाण और कोई भी इंटरनेट से जाकर के वो ले सकता है, वहां की फेडरल गवर्नमेंट की जो सबसे विश्वस्त एजेंसियां वो कह रही हैं, यदि भारत सहित पूरी दुनिया के जिनको गरीब मुल्क कहा जाता है वो अपना धन वापस ले लेंगे, उस दिन अमेरिका दुनिया का सबसे कर्जदार देश हो जाएगा, क्योंकि 700 से 1000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के बैठा है। ये जो अमेरिका की बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े जो उसके भवन, ये जो उसका नासा बना हुआ है और तमाम उसकी यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, उसका स्पेस सेंटर बना हुआ है, जितने भी उसके डेवलपमेंट के कार्य हैं 1000 लाख करोड़ के कर्ज के ऊपर बने हुए हैं, और उस 1000 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में कम से कम 100 से 200 लाख करोड़ रुपए भारत का है, बाकी कुछ अफ्रीका का है, कुछ चीन का है, कुछ रूस के गद्दारों का है, चीन के, रूस के, भारत के, अफ्रीका के, एशियन कंट्रीज के, और सबसे ज्यादा लूट पिछले 30-40 सालों में गोल्फ कंट्रीज के जो तथाकथित राजा हैं वहां पर, अभी वहां डेमोक्रेशन नाम की चीज नहीं, डेमोक्रेसी यहां भी नहीं है, वहां के राजाओं ने तेल बेच करके सारा पैसा अमेरिका को दे रखा है। गद्दाफी का भी करीब 2 करोड़ रुपए अमेरिका और कनाडा और यूके में ही मिला था, 10 लाख करोड़ रुपए गद्दाफी मिश्र को सारा लूट लिया, पैसा वहां जमा कर दिया। ये सारे आंकड़े मेरे नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के आंकड़े हैं। आपको एक पुस्तक दी जा रही है यहां से, ये पुस्तक है ग्राम निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये नाम दिया गया है इसको, लेकिन ये सारे आंकड़े काले धन के सच में पहले भी हमने दिए थे। कोई भी व्यक्ति आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकता है किस देश के ऊपर कितना कर्जा है। भारत के ऊपर विदेशी कर्जा मात्रा आज भी इन तमाम लुटेरों के बावजूद भी करीब 11 लाख करोड़ का है, और अमेरिका के ऊपर ये कर्जा करीब 1100 लाख करोड़ रुपए का। यदि भारत अपना यह काला धन वापस लेता है तो दूसरे देशों में भी अपना धन वापस लेने की होड़ मचेगी। जो है चीन वाले कहेंगे हमारा धन दो, जापान वाले कहेंगे हमारा धन दो, रूस वाले कहेंगे और गोल्फ कंट्रीज वाले कहेंगे, यूए वाले कहेंगे, अफ्रीका कंट्रीज कहेगा कि हमारा धन हमको वापस दो। उस दिन अमेरिका को करीब 1000 लाख करोड़ रुपए, यूके को करीब 500 लाख करोड़ रुपए, जर्मनी और फ्रांस को करीब 250-250 लाख करोड़ रुपए, लग्जमबर्ग जैसा छोटा सा देश हमारे एक जिले जितनी जिसकी आबादी है उसको 100 लाख करोड़ रुपए जब लौटाने पड़ेंगे तो पूरी दुनिया में दरिद्रता पसर जाएगी और भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर होगा। इसको